आज हम बनाएंगे मारवाड़ी टाइप मूली के पराठे। तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वैशाली किचन में आपका स्वागत है। तो मूली के पराठों के लिए यहाँ पे हम पहले तो लेंगे मूली। तो ये 500 ग्राम जितनी मूली है, पहले तो हम इसका छिलका निकाल लेंगे और इसे अच्छे से धो के इसे कद्दूकस कर लेंगे। फिर इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इस पे ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हो मूली में पानी छूट गया है। तो इसे हाथ से ऐसे दबाते हुए हम मूली में से पूरा पानी निचोड़ लेंगे। मूली में से पूरा पानी निचोड़ने के बाद हम मूली को साइड में रख देंगे। फिर एक पैन में 2 चम्मच जितना चने का आटा लेंगे और इसे गोल्डन होने तक सेक लेंगे। फिर इसे साइड में रख देंगे। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखेंगे। इसमें जीरा, हींग और 1 चम्मच जितनी हरी मिर्च, अदरक लहसुन के पेस्ट डालेंगे। फिर इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि हमने मूली में पहले से डाला हुआ था। तो मूली डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा के 2 मिनट तक पका लेंगे। फिर इसमें सेका हुआ चने का आटा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मूली के पराठों का स्टफिंग तैयार है। तो गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से आटा गूंथ के रखा था। तो एक लोई लेंगे और उसे पूरी जितना बेल लेंगे और इसमें मसाला भर के हम इसका पराठा बेल लेंगे। फिर इसे गरम तवे पे डाल देंगे और इसे उल्टी पलटी करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, पराठे को मैंने तेल में सेका है। आप चाहे तो घी या बटर में सेक सकते हो। तो इस तरीके से आप मूली के पराठे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे चाव से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे गर्मा गर्म मूली के पराठे तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगे।